जैविक खेती के एक घटक गौ कृपा अमृत के फायदे बताऊंगी तथा इसे बनाने की विधि भी। इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर PS भाटी को सब्सक्राइब करें। वर्तमान समय में कम समय में बिना मेहनत किए कृत्रिम तरीके से उत्पादन बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा में तीव्र वृद्धि हुई है। इसे साकार करने के लिए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशी, फफूंदनाशी, खरपतवार नाशी का अंधाधुंध प्रयोग करना आम बात है। इससे होने वाले प्रतिकूल प्रभाव की चिंता करना वैश्विक मुद्दा है। इनके प्रतिकूल प्रभाव मानव जाति, वनस्पति तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसे हल करने का उपाय यह है कि किसान अपने स्तर पर जैविक खेती करना शुरू कर दें। इसी कड़ी में गौ कृपा अमृत से होने वाले फायदे। इससे पहले फायदा यह है कि फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है, रासायनिक उर्वरकों की बचत होती है, भूमि की उर्वरा शक्ति और जल सोखने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। वायुमंडलीय नत्रजन फसलों तक पहुंचती है, मृदा में सूक्ष्म मित्र कीटाणुओं का प्रसार बढ़ जाता है जिससे फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। भूजल में वृद्धि होती है, इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो पौधों और फलों के विकास में अच्छा काम करता है। आइए अब देखते हैं आदर्श किसान दशरथ सिंह ग्राम पंचायत धीरपुरा द्वारा गौ कृपा अमृत बनाने की विधि। गौ सेवा अमृत बनाने की विधि, सर्वप्रथम 200 लीटर का ड्रम लेते हैं, ड्रम के अंदर 200 लीटर पानी भरते हैं लगभग, और उसके बाद में गौ सेवा अमृत बैक्टीरिया जो 2 लीटर अपन इसमें डालते हैं 200 लीटर पानी के अंदर, और बैक्टीरिया है जो गौ सेवा अमृत बैक्टीरिया गुजरात के गिर गौशाला का है। ये बैक्टीरिया डालते हैं 2 लीटर, लीटर पानी में फिर इसको हिलाते हैं थोड़ा सा डंडी की सहायता से, जिससे कि बैक्टीरिया पानी में, और ये घड़ी की दिशा में इसको हिलाना है आराम से धीरे धीरे। उसके बाद में 200 लीटर पानी के अंदर बैक्टीरिया मिलाने के बाद छाछ या मट्ठा देसी गाय का ये डालते हैं, ये सामान्य देसी गाय का होना चाहिए। देसी गाय कोई भी हो, हमारे यहाँ आसपास की जो भी गौ माता देसी गाय है उसका ही सास या मट्ठा उपयोग करते हैं। और उसके बाद में फिर पिंडे की सहायता से इसको धीरे धीरे घड़ी की दिशा में हिलाते हैं। इसमें जो पानी यूज करते हैं वो एकदम स्वच्छ वाटर होना चाहिए। ड्रम है, इसमें ऑयल या कोई डीजल पेट्रोल का नहीं होना चाहिए। उसके बाद में ये गुड़ है, ये जो गुड़ है ये 2 kg गुड़ है जो 2 लीटर पानी में घोल के इसको तैयार किया है। ये छाछ मिलाने के बाद में फिर इसको डालते हैं, धीरे धीरे आराम से डालते हैं। और पानी लगा
उसके बाद में ये मिलाने के बाद इसको 5-6 बार ऐसे ऐसे घुमा, घड़ी की दिशा में घुमा करके इसको सूती कपड़े से ढक देंगे और 7 दिनों तक सुबह और शाम 7-7 बार हिलाना है घड़ी की दिशा में। और उसके बाद ये गो सेवा अमृत बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसको आप फसलों में सीधे दे सकते हो। किसी भी सहायता से छिड़काव करने की अलग विधि है। 1 एकड़ में 1000 लीटर तक ये दिया जा सकता है पहली बार में। ये गो सेवा अमृत जैविक खाद इस तरह से बनाते हैं और इस प्रकार से इसको घुमाते हैं घड़ी की दिशा में। और ये जीवामृत से भी अच्छा है, इसका रिजल्ट हमने देखा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है पौधों में देख कर हमने देखा है प्रैक्टिकल के रूप में। और इसको खुला नहीं छोड़ना है, ऐसे घुमा करके फिर इसको सूती कपड़े से ढक देंगे और 7 दिनों तक सुबह और शाम इसको हिलाते रहेंगे। हमारे गांव में मेहनत करने के साथ साथ नवीनतम जानकारी